नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। आज की पहली और बड़ी खबर, सरायकेला के खतियानी जोहार यात्रा में सीएम हेमंत सोरेन ने भरी हुंकार, कहा छिनकर लेंगे आएंगे अधिकार। बजले के संस्थानीय विधेयक वापस करने पर भड़के सीएम हेमंत सोरेन, बोला के खतियानी जोहार यात्रा का पांचवा पड़ाव सोमवार को सरायकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम पहुंचा। जोहार यात्रा में शामिल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, कहा कि 1932 खतियान अधिकार स्थानीयता नीति विधेयक राज्यपाल रमेश बैस द्वारा सरकार को वापस करने के मामले में सीएम ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, राज्यपाल के माध्यम से बीजेपी झारखंड सरकार को परेशान कर रही है। कहा कि यह दिल्ली का अंडमान निकोबार नहीं है, यह झारखंड है, यहाँ सरकार जो चाहेगी वही लागू होगा। कहा कि विधेयक कानून संगत नहीं है, यह अजीब बात है कि 3.5 करोड़ लोग सरकार बनाए हैं, वहाँ बोका नहीं है, विधेयक को असंवैधानिक बोलते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं कर लाना चाहिए जिसकी विवाद हो। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यह आदिवासी मूलवासी को नौकरी देना गलत है, कहाँ की लड़ाई शुरू ही है, हम हर जंग जीते हैं, आगे भी जीतेंगे। वहीं दूसरी वो 4 फरवरी को देवघर आएंगे अमित शाह, नैनो खाद कारखाना की रखेंगे आधारशिला, संताप प्रखना को देंगे कई बड़ी सौगात। चलें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह 4 फरवरी 2023 को देवघर आएंगे। देवघर पहुंचकर वे सबसे पहले बाबा बैजनाथ मंदिर में बाबा का दर्शन करेंगे, उसके बाद संताप प्रखना को बड़ी सौगात देंगे। गृह मंत्री श्री शाह जस्टिस इंडस्ट्रियल एरिया में इफको के नैनो खाद कारखाना की आधारशिला रखेंगे। गृह मंत्री के देवघर आगमन के कार्यक्रम की पुष्टि गोंडा के लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर दी है। तो वहीं दूसरी ओर बचले की खतियानी आधारित स्थानीयता बिल फिर राज्यपाल को भेजेगी हेमंत सोरेन सरकार, बोले JMM प्रवक्ता सुप्रीमो भट्टाचार्य। बचले की खतियान आधारित स्थानीयता विधेयक फिर से राज्यपाल को भेजा जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने सोमवार को यह बात जानकारी रांची में कही। राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता विधेयक को सरकार को लौटाए जाने के फैसले पर उन्होंने एतराज जताया, कहा कि यह भाजपा के इशारे पर हुआ है। श्री भट्टाचार्य ने बीजेपी को बाहरी जनता पार्टी करार दिया। झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि यह बाहरी लोगों की साजिश है। तो वहीं दूसरी ओर सीएम हेमंत सोरेन ने गंजिया में करखई नदी पर बैराज निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। बाजले के खतियानी जोहार यात्रा में शामिल होने सरायकेला पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित करने के बाद गहरिया के गंजिया में करखई नदी पर बैराज निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। बता दें कि स्वर्ण रेखा बहुद्देशीय परियोजना के तहत इस बैराज का निर्माण हो रहा है। दूसरी ओर कोडवा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मिली 7 साल की सजा। जी हां दोस्तों, अपर जिला एवं सत्र न्यायालय न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी केसमी निवासी बैकुंठ साव को धारा 307 एवं पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत दोषी पाते हुए 7 साल की श्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 20,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं दिए जाने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बता दें कि मरकचो थाना क्षेत्र में थाना में कांड संख्या 27/13 पोक्सो एक्ट 24/19 के तहत मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से APP प्रदीप कुमार मंडल जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता मोहन प्रसाद ने दलील लिखी। दोनों कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और अभिलेख पर उपस्थित साक्षियों को देखते हुए आरोपी बैकुंठ साव को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। दूसरी ओर पटना में 1 फरवरी को होगी झारखंड के राजद नेताओं की बैठक। गोंडा के पूर्व विधायक व राजद के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव ने बताया कि झारखंड के प्रदेश पदाधिकारियों व जिला अध्यक्षों की बैठक 1 फरवरी को पटना में होगी। बिहार के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय पटना में आयोजित बैठक में झारखंड के विधायक पूर्व सांसद पूर्व विधायक समेत अन्य भाग लेंगे, यह जानकारी प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने दी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राज्यपाल रमेश बैस व सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में चलाया चरखा, बापू को किया याद। बजले के झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर रांची के मोरहाबादी की पापू वाटिका स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर 2 मिनट का मौन रखा गया। राज्यपाल व सीएम ने चरखा चलाकर महात्मा गांधी को याद किया। सीएम हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि महात्मा गांधी के आदर्श को जीवन में उतारने की जरूरत है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कल करेंगे जमशेदपुर कोलकाता हवाई सेवा का शुभारंभ। बदले के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल यानी 31 जनवरी को लोहर नगरी जमशेदपुर में सिटी ऑफ जॉय कोलकाता के बीच हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री श्री सोरेन सुबह 10 बजे जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। यहां पर वह जमशेदपुर कोलकाता हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही जमशेदपुर झारखंड का दूसरा शहर बन जाएगा जहां से विमानों की व्यावसायिक उड़ान शुरू हो जाएगी। अभी हवाई यात्रा के लिए लोगों को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की सेवा लेनी पड़ती है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय एग्रोटेक किसान मेला 3 फरवरी से शुरू होने वाला है। उद्यान प्रदर्शनी में आप सभी जीत सकते हैं आकर्षक पुरस्कार। जिन दोस्तों राज्य के राजधानी रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 से 5 फरवरी तक 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला 2023 का आयोजन किया जा रहा है। मेला में भव्य उद्यान प्रदर्शनी भी होगी। इस प्रदर्शनी में सब्जियों, मसाले, फल, गमले में फूलने वाले पौधे, गमले में पत्तेदार पौधे, कटे फूल, सर्जरी फल के अलावा केवल मालियों एवं विद्यार्थियों के विभिन्न खंड एवं वर्ग की प्रतियोगिताओं में सभी प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। इसमें किसानों, गृहिणियों, विद्यार्थी, विभिन्न सरकारी एवं निजी संस्थान, प्रतिष्ठानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों के लिए अपने प्रदर्शन की उत्कृष्टता प्रदर्शित करने और पुरस्कार जीतने का एक बेहतर अवसर दिया गया है। राजधानी रांची के बरियातू और 15 OP क्षेत्र के 2 अलग अलग अपार्टमेंट में रविवार को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घटना के बाद अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। लाइट काटे जाने के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। अपार्टमेंट में रहने वाले लोग धर्माद में हुई आगलमी में डॉक्टर दंपति सहित कुछ लोगों की मौत की चर्चा करते नजर भी आए। हालांकि घटना के बाद तत्काल फायर ब्रिगेड और अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने खुद के प्रयास से आग पर काबू पा लिया। इस वजह से बड़ी घटना होने से टल गई। झामुमो के स्थापना दिवस से पहले शिबू सोरेन ने किया झारखंड श्रमिक संघ के क्रम कार्यकारिणी का विस्तार। बचले के झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस से पहले पार्टी सुप्रीमो दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड श्रमिक संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी का विस्तार किया है। इसमें रामदास सोरेन, विजय हांसदा और मथुरा प्रसाद महतो को उपाध्यक्ष बनाया गया है। महासचिव, संयुक्त महासचिव, संगठन सचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यालय सहित सचिव के अलावा 10 लोगों को कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है। तो वहीं दूसरी ओर 1932 खतियान को लेकर के चंपेश्वर ने कहा कि बात वही करेगा, वही गांव में प्रवेश करेगा। 1932 की बात जो करेगा वही गांव में प्रवेश करेगा। चले कि खतियान जो यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए आदिवासी कल्याण तथा परिवहन मंत्री चंपेश्वर ने कहा कि 1932 खतियान आधारित की झारखंड की पहचान होगी। इसी दौरान उन्होंने एक नारा दिया जो 1932 की बात करेगा वही गांव में प्रवेश करेगा। अलग राज्य के निर्माण के लिए रायकेला खसावा के कई वीरों ने अपनी शहादत दी। पूर्वजों ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं किया था। CNT एवं SPT एक्ट बना, अंग्रेजों को तीर के नोक से जवाब दिया था। कहा कि शिबू सोरेन के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, इसके बाद झारखंड अलग राज्य बना। कहा कि यहाँ के आदिवासियों ने अपने संघर्ष से झारखंड को अलग राज्य में दिलाया। अब 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की भी संघर्ष से लागू कराए। कहा कि शिबू सोरेन ने झारखंड बनाया है, अब हेमंत सोरेन इसमें संवारने का काम कर रहे हैं। खतियानी चाहिए तो संघर्ष करना ही होगा। उन्होंने BJP पर भी जमकर प्रहार किया। कहा कि राज्य में 20 साल तक शासन किया लेकिन राज्य में विकास नहीं के बराबर किया। झारखंड के मुड़बू में उग्रवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 40 राउंड चली गोलियां। बजले के मुड़बू के सुमू जंगल में रविवार शाम 7 बजे TSPC उग्रवादियों और झारखंड जमुआ आर और रांची पुलिस की मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से 40 राउंड गोलियां चली। बताया जाता है कि TSPC के दस्ते में जनरल कमांडर विक्रम महतो, गुरुदेव रामगढ़ का एरिया कमांडर अजीत महतो तथा विनोद महतो और मुरारी सहित अन्य उग्रवादी शामिल थे। हालांकि पुलिस को भारी पट्टा देख उग्रवादी भाग निकले। मुठभेड़ के बाद सर्च अभियान में पुलिस ने 177 कारतूस, 7 वाकी टाकी कारतूस रखने का 2 पाउच आदि बरामद किए। बताया जाता है कि उग्रवादी ईट भट्ठा संचालक से लेवी लेने के लिए आए थे।
हेमंत सोरेन सरकार की पहल, झारखंड में घर बैठे बन रहा आयुष्मान कार्ड, वो भी बिल्कुल मुफ्त। जी हाँ, तो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक नई पहल की है। अब घर बैठे आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। जी हाँ, घर बैठे आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसके लिए सरकार ने आपके द्वार आयुष्मान अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत सहिया दीदी घर घर जाकर लोगों के आयुष्मान कार्ड बना रही हैं। इतना ही नहीं, CHO आयुष्मान मित्र प्रज्ञा केंद्र एजेंसियों के द्वारा भी आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी ओर सिक्योरिटी एजेंसी को पारा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति का ठेका, जांच रिपोर्ट से इतर DC ने बताया योग्य। बता चले कि सिक्योरिटी गार्ड मुहैया कराने वाली बिहार की एजेंसी समानता सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को पारा मेडिकल स्टाफ मुहैया कराने का ठेका दे दिया गया। उक्त एजेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने सभी नियमों और झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश तक परख दिए। अनुमंडल पदाधिकारियों की अध्यक्षता में बनी जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मंत्रता देते हुए उक्त एजेंसी को इस काम के लिए अयोग्य बताया था, लेकिन रांची के उपायुक्त ने कमेटी की ओर से दिए गए सभी मंतव्यों को सिरे से खारिज करते हुए एजेंसी को योग्य ठहराया है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में इंटर पास 50,000 विद्यार्थियों को हर साल प्रशिक्षण देगी सरकार, विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। अगले के राज्य के 50,000 इंटर पास विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष सरकार व्यवसायिक कोर्स की ट्रेनिंग देगी। इसका प्रस्ताव उसकी शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग ने तैयार किया है। इसे CM छात्र कौशल विकास योजना के नाम से शुरू करने की तैयारी है। इसके तहत विद्यार्थियों को टूल रूम प्रशिक्षण, नर्सिंग, PPO, मल्टीमीडिया और ITES का प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में शामिल किया जा सकता है। तो वैसे तो एक बड़ी खबर क्या है, खतियान जोहार यात्रा को संबोधित करते हुए राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद बोझा ने कहा कि 19 पत्ती खतियान आधारित स्थानीय नीति के विधेयक को राज्यपाल ने वापस कर दिए हैं। उन्होंने BJP पर आरोप लगाते हुए कहा कि BJP के लोग नहीं चाहते कि राज्य में विकास हो, यही कारण है कि BJP हमेशा हेमंत सरकार को अस्थिर करने में लगी है। इसके बावजूद वर्तमान सरकार मजबूत है, गिरने वाली नहीं है। उन्होंने बढ़ती महंगाई का ठीकरा BJP पर फोड़ा। श्रम मंत्री ने कहा कि समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक विकास अब पहुँच रहा है, इससे BJP को परेशानी हो रही है। कहा कि अभी तो झांकी है, 2 साल बाकी है, राज्य के सभी उपचुनाव जीते हैं, आगे रामगढ़ उपचुनाव भी जीतेंगे। तो वहीं एक बड़ी खबर की आ रही है, झारखंड के रेल यात्रियों के लिए बहुत ही बुरी खबर, धनबाद एर्नाकुलम एक्सप्रेस को नहीं मिला विस्तार। बता दें कि झारखंड के रेल यात्रियों के लिए एक बुरी खबर है, जैसे कि खासकर उन लोगों के लिए जो दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं। धनबाद से एर्नाकुलम के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को विस्तार नहीं मिला है। ऐसे में धनबाद से एर्नाकुलम के लिए इस ट्रेन की अंतिम ट्रिप रविवार को धनबाद से रवाना हुई। 31 जनवरी को एर्नाकुलम से धनबाद के लिए ट्रेन प्रस्थान करेगी। तो हिमाचल के सरायकेला पहुंची CM की खतियान जोहार यात्रा। हेमंत सोरेन ने कहा, जो राज्यपाल चाहेंगे वो नहीं, जो सरकार चाहेगी वही होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सरायकेला में खतियान जोहार के दौरान विधेयक वापस करने को लेकर राज्यपाल पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने इस मंच से स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो राज्यपाल चाहेंगे वो नहीं, जो सरकार चाहेगी वही होगा। हमें आज भी लोग बोका सोचते हैं, अब यही बोका लोग ठोकेगा। खतियान जोहार यात्रा के दौरान 1932 आधारित स्थानीय नीति पर CM ने खुलकर बयान दिया। झारखंड के सरकारी स्कूल के सभी स्टूडेंट को नहीं मिला ड्रेस किट, 3 बार निर्धारित हुई डेडलाइन, 6 माह पहले जिलों को मिला था पैसा, फिर भी स्टूडेंट को स्कूल ड्रेस और को नहीं मिला था। जहाँ तो स्कूल शिक्षा एवं सत्ता विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को स्कूल ड्रेस किट और ड्रेस का पैसा नहीं मिला है। स्कूली बच्चों के ड्रेस में ठंड के मौसम को ध्यान रखते हुए स्वेटर जोड़ा गया था। अब ठंड गर्म खत्म होने को है पर बच्चों को स्वेटर का पैसा नहीं मिला, ऐसी स्थिति कुछ ही जिलों में है। कुछ जिले तय लक्ष्य को लगभग पूरा कर चुके हैं। स्कूली बच्चों को ड्रेस और स्कूल किट देने के लिए 3 बार डेडलाइन तय की गई थी। यह डेडलाइन पहले 30 नवम्बर, फिर 31 दिसंबर और फिर 31 जनवरी तक था। समय पर बच्चों को किट और ड्रेस मिले इसके लिए जिलों को 6 महीने पहले ही पैसे दिए जा चुके हैं, इसके बाद भी बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल सका है। तो हजरे की धनबाद का हाजरा क्लिनिक अगजनी मामला में राज्य से पहुंची फॉरेंसिक जांच टीम, प्रभावित क्षेत्र का किया मुआयना, सैंपल भी लिए गए। नजरे की शहर के बैंक मोड थाना क्षेत्र के टेलीफोन एक्सचेंज रोड स्थित हाजरा क्लिनिक में फॉरेंसिक टीम पहुंची है। यह टीम
चार सदस्यीय टीम रांची से पहुंची। हाजरा क्लिनिक पहुंचते ही फॉरेस्टिक टीम ने पूरे बिल्डिंग का मुआयना किया। इसके साथ ही फॉरेस्टिक जांच टीम ने घटनास्थल पर से कई सैंपल एकत्र किया। टीम ने ब्लड सैंपल और बाथरूम में पड़े हुए बाथटब से पानी का सैंपल जमा किया। इस दौरान सारे जाँच की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जिससे कि उन्हें जाँच में सुविधा मिल सके। फिलहाल खबर दोस्तों बस इतना ही थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि झारखंड से आज तुम्हें भी देखकर पसंद करो, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।